हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर देखो गाइस, मिस्ट्रिकल मास्टर इवेंट जो है रिटर्न में आ चुका है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को ओल्ड इंक्यूबेटर के बंडल जो है रिटर्न में देखने को मिल रहे हैं। बट गाइस, आप लोगों के साथ एक स्कैम हो चुका है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इंक्यूबेटर वाउचर है वो आप लोग इस इवेंट में यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हो, कब तक यूज़ कर पाओगे, तो सब कुछ बताना हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, चैनल बनाया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो गाइस देखो, ये इंक्यूबेटर तो आया है, बट ये इंक्यूबेटर नहीं है, ये इवेंट है। जैसे कि पोकर MP40, आप लोगों को बताओ, पोकर MP40 जैसा इवेंट आया था तो उसके अंदर आप लोग इंक्यूबेटर वाउचर ये यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए कुछ दूसरा इवेंट आता है। ठीक है, आप लोगों को पता है पोकर MP40 रिटर्न में आई थी, तो उसके साथ में देखो दो इंक्यूबेटर रिटर्न में चल रहे थे, एक पोकर MP40 का और MP5 का, जिसमें देखो MP5 के अंदर जो आप लोग वाउचर यूज़ कर पा रहे थे, लेकिन पोकर MP40 के अंदर आप लोग वाउचर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो उसी तरीके से जो इस इवेंट के अंदर आप लोग वाउचर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाओगे, और ये जो वाउचर है ये एक्सपायर हो जाएंगे इस महीने को 31 तारीख को। ठीक, 31 जनवरी को यहाँ पर ये एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली आप लोग अकाउंट से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग यूज़ कहाँ करोगे इनको, तो गाइस देखो यहाँ पर इस इवेंट के अंदर तो आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंक्यूबेटर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट है जिसके अंदर से आप लोग डायमंड स्पिन कर सकते हो और ब्लू प्रिंट वगैरह निकाल के बंडल निकाल सकते हो। लेकिन गाइस, जैसे ही इंक्यूबेटर आता है तो आप लोग इनको यूज़ कर पाओगे। अगर 31 जनवरी से पहले कोई भी इंक्यूबेटर हमारे गेम के अंदर आता है तो आप लोग इसको यूज़ कर पाओगे वाउचर्स को, बाकी ये एक्सपायर हो जाएंगे और किसी काम के नहीं होंगे। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते थे तो कल यूज़ कर सकते थे, जो कि हमारा इंक्यूबेटर गया। ठीक है, बंडल्स थे जो कि आप लोगों को पता है, जो इंक्यूबेटर के बंडल थे उसमें स्पिन करते तो आप लोग ब्लू प्रिंट वगैरह मिलते, तो आप लोग बंडल एक्सचेंज कर पाते। मैंने एक बंडल निकाला था, लेकिन ये जो फर्स्ट प्रिंट वाला है, मैंने देखा कल कोई ना कोई बेस्ट इंक्यूबेटर आएगा, आप लोगों ने भी सोचा होगा कोई ना कोई अच्छा इंक्यूबेटर आएगा जो है हम लोग स्पिन कर पाएंगे। क्योंकि देखो जो हमारा पुराना इंक्यूबेटर था उसका जो टाइमिंग जो है अचानक से कम कर दी, और फिर जो है यहाँ पर न्यू इंक्यूबेटर आने का चांसेस बढ़ा दी। तो यहाँ पर हमें लगा कि यार न्यू इंक्यूबेटर आएगा तो उसमें स्पिन करेंगे तो कुछ ना कुछ गन स्किन आएगी या फिर न्यू बंडल आएगा तो हम उसको निकाल लेंगे। लेकिन गाइस, ये स्कैम कर दिया गरीना ने। तो गाइस, अगर 31 जनवरी से पहले कोई भी इंक्यूबेटर आता तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा। तो गाइस, जो आप लोगों के पास वाउचर है वो अभी तक तो किसी काम के नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो आप लोग स्पिन नहीं कर पाओगे, और जिसे नेक्स्ट इंक्यूबेटर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, ये रही वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।